सुबह के 5:45 बजे मैं पाकिस्तान से जैक निकलसन होने वाला हूँ। गाना लाओ। बेटा रास्ते में हूँ ना कहीं लेट हो जाऊँ, हाँ जी खास है ये दिल ना सोचा था ये मुस्तकबिल भी हो सकता है मेरा। इश्टी बिश्टी सिस्टम भी अब तो बॉस बेटा। क्यों भाई? जी बॉस। It's a special day for me actually. Gonna get high on a plane. Highest ever unboxing. Guinness Book of World Records में addition करवा लो Oppo and Emirates की collaboration. मेरे दोस्त मेरे यार बिग फुट म्यूजिक के साथ तैयार, हम खास भी कर फाड़ ऑन द गिटार। क्रिकेट के मैच की टिकट लॉर्ड्स में विकेट नहीं उड़ती कैश ड्रॉप पे ओनली इफ इट स्टंप्स इंडिया पाकिस्तान मैच वेरी बैड रिएक्शन ऑफ पब्लिक पाकिस्तान टीम दूर फटे मोटे कम डाइट क्या करो ओ भाई थोड़ी शर्म करो थोड़ी तमीज करो यार इन बच्चों से सीखो ये देखो प्यार मोहब्बत तमीज और रिस्पेक्ट लव यू। इस वक्त मैं बैठा हूँ बिजनेस क्लास लाउंज में और अपनी औकात में मेरा मतलब इकोनॉमी क्लास में सफर करते करते मुझे तो पता भी नहीं था कि ये एक लाउंज एग्जिस्ट भी करती है। ये जिस क्लास में सफर कर रहा हूँ सबसे ऊपरली क्लास नहीं है, इससे ऊपर फर्स्ट क्लास है, इससे नीचे इकोनॉमी क्लास है। हर गेट के लिए अलहदा लाउंज है, फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट प्रोवाइडेड है, जहाँ पे भी बैठो साथ पावर सप्लाई प्रोवाइडेड है। अगर आपने अपना लैपटॉप चार्ज करना, लोग रास्ते में मुस्करा रहे होते हैं, हट रहे होते हैं, आपकी मदद कर रहे होते हैं, शैंपेन्स पी जा रही हैं, बड़ी बड़ी बिजनेस की बातें हो रही हैं, वायरलेस लैन का एक्सेस है, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रॉडबैंड भी मौजूद है, शेफ है डेडिकेटेड, खाना पका रहा है। इसके बाद अपनी औकात में वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से जाते हैं इकोनॉमी वाले और यहाँ से जाते हैं मतलब के बिजनेस क्लास वाले और एमिरेट्स की फ्लाइट। तो ये है जी बिजनेस क्लास सीट दुबई से लंदन। आते साथ एक बंदा खड़ा हो कह रहा था शुड आई कैन नॉट चूज माका जी VIP। पैसे बनाने पड़ेंगे। अब आप मेरी इस तरफ देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि बहुत सी ड्रिंक्स मौजूद हैं। ये चीज़ें बिजनेस क्लास के साथ आती हैं, लेकिन मैं बिजनेस क्लास इसलिए नहीं ट्रैवल करना चाहता। मैं इसलिए ट्रैवल करना चाहता हूँ क्योंकि इसमें दिमाग का सुकून है। ये क्या चीज़ है? हाँ रीडिंग लाइट। हाँ और ये चीज़ें नहीं गिनेंगी। टेबल की अहमियत को कभी अंडर एस्टिमेट ना करना। 7 घंटे बैठना है इधर ब्रो। बीग पदा टेबल। 2 USB पोर्ट है तो 2 इस्तेमाल होंगे। पहले तो ओप्पो F11 Pro को चार्ज पे लगा लो। बाथरूम दी ते पायां तुसी गल ही ना करो, मतबल खिड़की खोल लवो ते फ्रैश होयो। आह फलैती खुशबू ला लो, दांत भी मांझ लो, बैठक शैठक सीट पे टेक्नोलॉजी चेकअप करके बताना। ये आपकी सेकेंडरी स्क्रीन है जिसके ऊपर आपके सीट के कंट्रोल्स भी हैं और आप यहाँ से मूवीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन भी चिकनी और प्राइमरी स्क्रीन भी चिकनी। नाश्ते में 3 ऑप्शंस थी, उनमें से मैंने ऑमलेट सेलेक्ट किया। स्टाफ ने नोट किया कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो साथ अचार भी दे दिया। द फ्रेशनेस ऑफ द चेरी टमाटोज हार्ड टू डिस्क्राइब। और डेजर्ट में वनीला आइसक्रीम, स्वाद आगे बाशु। मैं अपना ट्रैवलिंग कुछ नहीं लाना भूल गया, लेकिन फिर कोई खास जरूरत भी नहीं। खाने ने मुझमें एक कोमा इंड्यूस कर दिया तो मैंने कहा थोड़ी देर सो जाते हैं। ओह यस आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट, हियर सम सॉक्स एंड प्यूरिफाई शेड्स एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ इट ऑल द लेग रूम। हाँ काम करेंगे। अनबॉक्सिंग का आगाज किया जाए। ओप्पो का रीनो 10X Zoom 256 GB वाला, इट्स देयर फ्लैगशिप फोन। डब्बे का तो मजा चेक करो, लंबा गया। फोन पे भी आते हैं, पहले एक्सेसरीज चेक करते हैं। USB-C ईयरफोन्स और साथ में वॉक 3.0 चार्जिंग तेज वाला। मेरे हाथ में जो फोन है इसकी बैक की फिनिश में भी सेक्स है। बेजल स्क्रीन की तो अपोजिट ही उम्मीद, इंटरनेट होगा ये तो मैंने सोचा भी ना था। वॉक 3.0 चार्जिंग आपको लो वोल्टेज में फास्ट चार्जिंग देती है। कैमरे का तो मैं तफसीली रिव्यू वर्ल्ड कप पे बनाऊंगा, अभी जरा फोन को सेटअप कर लो। फोन को थोड़ी सी उंगल दी और उसको अपनी उंगल से यूज टू करा दिया। स्क्रीन के अंदर बिल्ट इन फिंगरप्रिंट सेंसर है। ओप्पो F11 Pro की वजह से तो मैं पहले से ही कलर OS 6 से वाकिफ हूँ। बाकी रिव्यू बाद में, अभी जरा मैं एमिरेट्स की मूवीज चेक करने लगा। इकोनॉमी क्लास बंदे को तो आप बिजनेस क्लास में रख सकते हैं, मगर उसकी क्लास उसमें से नहीं निकाल सकते। और कुछ चीज़ें जो आपके साथ बिजनेस क्लास में भी होती हैं, जैसे कि आपके कान बंद हो जाते हैं। एक यूट्यूबर बिजनेस क्लास में एमिरेट्स की, नहीं हो सकता है, झूठ है। ना सिर्फ यूट्यूबर, पाकिस्तानी यूट्यूबर। तो ये मेरी जिंदगी का तो सबसे बेहतरीन फ्लाइंग एक्सपीरियंस। सारी बात है, पहली दफा बिजनेस क्लास का स्टैंडर्ड रेज हो गया। जस्ट टेक अ सीट सर, योर शोफर विल बी विद यू इन अ मोमेंट। आई एम गुड, हाउ आर यू?
मर्सिडीज। ये तो अबू की गाड़ी से भी बेहतर गाड़ी है। जुनेजो, तुम्हारा कमरा यहाँ पे बुक हुआ है। बेसिकली मैं, जुनेजो, वर्दा, अली काजी, हम चारों ने यहाँ पे आना था, लेकिन बाकी तीनों का कुछ ना कुछ घपला हो गया। किसी का वीज़ा रिजेक्ट हो गया, किसी का वीज़ा टाइम में नहीं आया, जुनेजो का। तो मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ। और बॉयज़ की कोई कमी नहीं है, पार्टी हम कर लेंगे। ये जो खुश आप मुझे देख रहे हैं वो इसलिए क्योंकि मैं और लंदन अपनी कंट्री को सपोर्ट करने। थैंक यू एजे फॉर दिस जर्सी, इसको तो मैं सही इस्तेमाल करूंगा। ऐसे ही नहीं बंदा उठ के आ जाता कताफी स्टेडियम से लॉर्ड्स। क्यों मोइस, समझाओ ना इनको, क्रिकेट हमारी रगों में ऐसे क्यों दौड़ती है। पिछले सालों में जब हमारे मुल्क के हालात बहुत खराब हो गए थे और हमारे ताल्लुकात बाकी दुनिया से बिल्कुल कट गए थे, तो ये क्रिकेट ही था जिसकी वजह से हमारे मुल्क का कुछ पॉजिटिव इमेज बाकी दुनिया के सामने बना रहा। क्रिकेट के साथ तो पाकिस्तानियों का लव हेट रिलेशनशिप चलता रहेगा। जब हम बुरा खेलने पे आते हैं तो इतना बुरा खेलते हैं कि कमजोर तरीन टीम से भी हार जाते हैं, वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड से ही बाहर हो जाते हैं। लेकिन जब हम अच्छा खेलने पे आते हैं ना, तो वर्ल्ड की टॉप टीम्स को ऐसे हराते हैं जैसे कोई मसला ही ना हो। आई गेस जैसा हमारी कौम का मिजाज है ना, बिल्कुल वैसा ही हमारी टीम का मिजाज भी है। मूडी, इनकंसिस्टेंट and a bit lazy, लेकिन talented, निडर and passionate for the game. पिछले 10-15 सालों में for a country and a team who has been through a lot, we have actually managed to do quite well in the game. सबसे पहले तो हमने अपने मुल्क में क्रिकेट की आग को जिंदा रखा। उसके बाद हम मिसबाह-उल-हक की कप्तानी में नंबर वन टेस्ट टीम बने। उसके बाद हम 2009 में यूनुस खान की कप्तानी में T20 चैंपियंस भी बने। सरफराज की कप्तानी में हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते इंडिया को हरा के। ये वो चैंपियंस ट्रॉफी है जिसमें हम इनिशियली क्वालिफाई भी नहीं करने वाले थे। और इस कॉन्टेक्स्ट के साथ हम आ गए हैं 2019 के ICC वर्ल्ड कप में। कहानी वही है जो 92 के वर्ल्ड कप में थी, बल्कि टूर्नामेंट का फॉर्मेट भी वही है जो 92 के वर्ल्ड कप में था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या हमारी टीम भी वैसी है जैसे उस वक्त थी? क्या हमारा कप्तान वैसा है? क्या हमारे पास वसीम अकरम है? क्या हमारे पास जावेद मियादाद और इंजमामुल हक भी हैं? ये तो वक्त बताएगा। जीतेगा भाई, जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा। थैंक यू मोइस फॉर द क्रिकेट एनालिसिस और बिगफुट म्यूजिक, आपने म्यूजिक दिया, आपकी करम नवाजी है। उसके साथ साथ डू चेक दिस गाइस आउट, निकलता हूं मैं। मूव आउट।